नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गेम चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बारे में। दरअसल भारत और चीन के बीच पिछले एक महीने से लद्दाख इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस मसले को निपटाने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन भारत किसी भी तरह की कोई ढील नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए लद्दाख के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारत ने हवाई पट्टी का निर्माण तेज किया है। इसके अलावा बोफोर्स की आर्टिलरी की तैनाती भी की जा रही है। यहां अनंतनाग के पास NH-44 पर इमरजेंसी हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है, ताकि किसी भी इमरजेंसी स्थिति में लड़ाकू विमानों या अन्य विमानों को उतारा जा सके। गौरतलब है कि LAC के पास चीन ने भी कई तरह का निर्माण कर लिया है और कई तरह से हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी है। दूसरी ओर भारत की ओर से करीब 60 बोफोर्स आर्टिलरी गन को लद्दाख के पास फॉरवर्ड पोजीशन पर भेजा जा रहा है। भारतीय सेना की ओर से कहा गया है कि वो चीन के साथ ताजा विवाद को सुलझाना चाहता है, लेकिन किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि इस बीच दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हुई है और हाल ही में पहले चरण की बातचीत संपन्न हुई है। इसके बाद खबर है कि चीनी सेना 2 किलोमीटर तक बॉर्डर पर पीछे हटी है। ये 6 जून को होने वाली एक और बातचीत से पहले अच्छे संकेत है। हालांकि इसके बाद LAC पर तनाव थोड़ा घटा है और गलवान घाटी के 2 किलोमीटर पीछे हटी चीनी सेना के जवाब में भारतीय सेना भी पीछे हट गई है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।